और आप देख रहे हैं हानिया लाइफ स्टाइल। आज की वीडियो में मैं ईद मेकअप लुक करूंगी, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन का जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ ये SL बेसिक्स का, ये एक्सपोज वाला, ठीक है। इसमें मेरा शेड है 9, ठीक है। ये मेरा शेड है 9, ठीक है। आज जो मैं करूँगी, मेरा ड्रेस जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक पे मैं थोड़ा सा जो है लाइटर शेड अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको जो है लाइटर करने के लिए जो मैं बेस यूज़ करूँगी इसके साथ, वो मैं यूज़ करूँगी ये मलायो का हाई कवरेज फाउंडेशन, ठीक है। और इसमें शेड जो है मेरा 3, ठीक है। इन दोनों को हम मिक्स करके और हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको शेक कर लेना है, कोई फाउंडेशन आप लोग यूज़ करेंगे उसे शेक करके हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। और मैं ऐसे 2 पंप ले लूँगी इसके, ठीक है। ज़्यादा मुझे वाइट नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है लाइटर शेड बनाना है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसका 1 पंप लूँगी, ठीक है। ये देखें बस, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स, तो ये हमारा लाइटर शेड तैयार हो जाएगा। कोई भी आपके पास डार्क शेड है अगर आप उसे लाइटर करना चाहते हैं, तो कोई भी लाइट फाउंडेशन जो है आप उसमें ऐड कर लें, तो वो आपके कॉम्प्लेक्शन का बन जाएगा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल मैंने मतलब कम क्वांटिटी में जो है वो लाइटर शेड डाला है, ज़्यादा नहीं डाला वरना बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। हमें ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए, बस हल्का सा जो है एक टोन जो है मुझे लाइटर चाहिए अपने से। फाउंडेशन लगाने का वही मेथड है, ऐसे फिंगर से लगा लें आप लोग सबसे पहले तो, ठीक है। फुल कवरेज फाउंडेशन मलायो की भी है और एक्सपोज भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा, और इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, ठीक है। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेने हैं, और ये देखें कितनी आराम से ब्लेंड हो जाता है, ये देखें ज़रा भी देर नहीं लगी, ठीक है। अब मैं ऐसे ही फुल फेस पे कर लेती हूँ। ये देखें फाउंडेशन को मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद जो है मैं अब जो यूज़ करूँगी वो मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, और मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का नेचुरल 318 नंबर, ठीक है। और कभी भी आप लोग लिक्विड फाउंडेशन जब आप लोग यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोग हमेशा बेकिंग करेंगे, और बेकिंग कैसे होती है, बहुत ये लूज़ पाउडर जो होता है आप लोग पफ पे लें, इसके साथ ही जो आता है, और ऐसे लगा लें बहुत सारा करके ना, ठीक है, ऐसे आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। ये देखें आप लोगों को ऐसे लगा कर छोड़ देना है, ठीक है। और आईब्रोज़ मैंने फिल कर ली थी ऑफ कैमरा, और वो मैंने इस पॉमेट से की थी। हमेशा ब्राउन शेड यूज़ करिएगा, ठीक है। अब बारी है आई लुक की, और आई लुक के लिए मैं यूज़ करूँगी वो मैं हुदा की ये पैलेट यूज़ करूँगी। काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई है, शायद 1.5-2 साल हो गए मैं मतलब यूज़ ही नहीं की है, तो मैं सोचा क्यों ना आज मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके शेड्स भी दिखा देती हूँ। इसके जो है मेरे पास 4 पैलेट्स हैं, एक रेड, पर्पल, ग्रीन और ब्लू में, और ये मैंने मतलब यूज़ ही नहीं किया, शायद ब्लू और एक और कोई सी मैंने यूज़ की है बस, और मैंने कोई यूज़ नहीं किया। हाँ एक और है ऑरेंज ब्राउन सी है कोई, एक वो पैलेट है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो भी है इसमें, ठीक है। तो आज मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी, ठीक है। और बाकी ये वाला और ये वाला शेड जो है वो मैं हाईलाइटर के लिए यूज़ करूँगी, बाद में यूज़ करूँगी वो। सबसे पहले जो मैं शेड लगाऊँगी वो मैं ये वाला लगाऊँगी, ठीक है। और ये जो है मैंने बेकिंग की हुई है, कई बार आप समझे फाउंडेशन के वो है निशान, ये फाउंडेशन का नहीं है, ये मैंने बेकिंग की हुई है, ये भी मैं थोड़ी देर बाद मतलब साफ़ करूँगी। और सबसे पहले ये मैंने शेड ले लिया, ठीक है, इसको फुल लिड पे लगा लेंगे हम, ठीक है। ये देखें दिख रहा है बहुत लाइट शेड है,
ये देखिए मैंने लगा लिया है, ठीक है। इस सारे का पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा शायद, ठीक है। ये देखें, ऐसा करके मैं डस्ट ऑफ कर लेती हूँ, वरना आप लोग समझेंगे पता नहीं क्या फाउंडेशन शायद सही ब्लेंड नहीं हुआ है। तो ये मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। वैसे जो मैं करती हूँ वो मैं आई लुक फुल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में करती हूँ, ठीक है। आप लोग भी तब करेगा, चलो ठीक है। इसके बाद मैं लूँगी काजल ब्लैक। मेरा ड्रेस जो है वो ब्लैक है, लेकिन मैं फुल जो है जो स्मोकी मेकअप होता है फुल जो होता है वो नहीं कर रही, मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ब्लैक काजल ही मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। चलिए लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक ब्रश लूँगी और ब्लैक शेड ले लूँगी। कोई भी आपके पास पैलेट हो उसमें से आप ब्लैक शेड ले लेगा। हुदा वाली में ब्लैक नहीं है तो मैं अपनी दूसरी पैलेट में से ले रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद इस ब्लैक शेड को मैं लाइनर की जगह जो होती है ना मैं लाइनर वहाँ हल्के से लगाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ऐसा देखें, ठीक है, देखें, ठीक है। और इसी ब्लैक शेड को मैं यहाँ भी लगा लूँगी लोअर लैश लाइन के नीचे, ये फुल नहीं करना है, ये सिर्फ यहाँ तक छोड़ देना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का स्टेप बताती हूँ। देखें अब मैंने इस आई में क्या क्या किया है, अब मैं वो आप लोग बता देती हूँ। यहाँ मैं हाइलाइटर के लिए ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी ब्रश लेना आप, ठीक है। ये देखें, अब आप, मैंने ये फुल यहाँ तक नहीं किया था ना, इसलिए नहीं किया था कि मैं हाइलाइटर लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। हाईलाइट करना मुझे, देखें, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। इसके बाद ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी मैं, इसको थोड़ा सा हाथ से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ज़्यादा मुझे हाइलाइटर नहीं चाहिए, बस नॉर्मल हूँ। अब इसके बाद मुझे जो करना है, अब मैं लगाऊंगी लाइनर, ठीक है। लाइनर के लिए मैं पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये कौन सा है, 36H, ठीक है। आपके पास जो भी हो वो लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लाइनर जो है बिल्कुल बारीक लगाना है, क्योंकि हमने वैसे ही हमने यहाँ ब्लैक आई शेडो लगाया हुआ है, बहुत बारीक लगाना है आपको। ये देखें, सही है। अब इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, जो भी आप लोगों के पास हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, मस्कारा आप लोगों को अच्छे से लगाना है। अब मैं लगाऊंगी लैशेस, और लैशेस कौन सी मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। लैशेस के लिए मैं ये नादिया हुसैन के लैशेस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, फोकस अप कर रहा है, फोकस ये देखें, ठीक है। कितनी प्यारी लैशेस हैं। मैं सबसे ऊपर वाला जो है सबसे लाइट जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है। और
लैश ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं स्वीट फेस का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा लैश ग्लू है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो मैस्मराइज़ का है, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट 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 आई ग्लू है। तो चलिए मैं लैशेस लगा के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने लैशेस भी लगा ली हैं, ड्रेस भी वेयर कर लिया है और हेयर स्टाइल भी बना लिया है। और हाँ, लैशेस का मैं बता दूँ, लैशेस में मैंने आप लोगों को सबसे पहला वाला स्टाइल बोला था कि मैं ये वाला वेयर करूँगी, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सबसे लास्ट वाला जो है वो वेयर किया, ठीक है, लैशेस। और इसके बाद फाइनल जब आप फुल मेकअप कर लो तो इसके बाद मैं ये एसएल बेसिक का मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बस आईज क्लोज करें और बस, ठीक है। और ये देखिए मैंने फुल सेट लिया था, इसकी ये बालियाँ थी जो एक खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे बिल्कुल मिल ही नहीं रही है वो। और इसके साथ जो है ये फुल सेट था, ये देखें, ठीक है, बालियाँ थी और ये दो ये, ठीक है। और दूसरे मैंने ये ब्लैक चूड़ियाँ ली हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फाइनल ड्रेस वगैरह दिखाती हूँ और अपना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। देखिए मेरा फुल ड्रेस है, मैं अभी आप लोगों को फुल दिखाती हूँ। इस पर सबसे पहले वर्क दिखा देती हूँ, पर्ल्स थ्रेड और सीक्वेंस का वर्क है, ब्लैक पे ब्लैक काम ही है। और इसका दुपट्टा जो है माथा पट्टी है वन साइडेड, ठीक है, और दूसरे साइड का सिंपल है, ठीक है। और इसकी शर्ट है वो पेपलम स्टाइल की है और ये प्लाजो है इसके साथ, और साथ में मैंने सैंडल मेंशन की, ठीक है। ये फुल जो है मेरा ड्रेस है, ये उस पर दिख ही रहा था ब्लैक पर ब्लैक, तो मैंने सोचा अब मतलब बैकग्राउंड चेंज होगा तो आप लोगों को ड्रेस फुल दिखेगा, ब्लैक पर ब्लैक आप लोगों को बिल्कुल भी ड्रेस नहीं दिखने वाला, ठीक है। ये मेरा फुल ड्रेस है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।